गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, दिखाती हूँ आज की अपनी दिनचर्या। वैसे आज एक बच्चे का अन्नप्राशन है, तो उनके घर जा रही हूँ और वहीं जाके आपको वहाँ का प्रोग्राम दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ पर है लीला प्लेस रिसोर्ट। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि इस रास्ते में चढ़ाई है, तो दोस्तों आज देखिए आधा किलोमीटर तक इसमें बिल्कुल चढ़ाई है। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अपने हाथ का सामान संभालूं या खुद को संभालूं, तो देखते रहिए। मैं पहुंच चुकी हूं खोटानी और यहां पर से है, ये लोग पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, यहाँ पर से लेके जाते हैं ऊपर। दोस्तों, अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और इनके घर चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, अमीषा, अमीषा ये काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं काटेगा। ये नहीं नहीं काटेगा, करनी का। बच्चे के लिए ना एक कटोरा बना लेना, कटोरे के हिसाब से पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना खा रहा है वो करके। एक दिन के लिए पूरा, मतलब एक कटोरा बना लेना, थोड़ा थोड़ा करके उसी कटोरे से खिला देना। ये नहीं कि खाना एक बार रखा है उसी खाने को खिला देना, रानी को फिर गर्म कर लेना या फिर बना देना दोबारा, बासी मत खिलाना उसको। और बिल्कुल जो दाल का पानी कह रहे हो वैसा मत खिलाना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा जैसे बनी है अभी दलिया बनाया है ना, इसी तरीके से और चीज को भी बना लेना, तब खिलाना बच्चे को। फाइनली अन्नप्राशन हो चुका है, अब थोड़ा चुनाव की वोटर स्लिप बांट लेते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। दोस्तों, थोड़ी स्लिप भी बढ़ चुकी है, अब दो मिनट अपने केंद्र में जाके आऊं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे भी स्लिप बांटनी है अभी। मैंने कहा होशियारी देखती हूँ, जरा शक्ल देखती हूँ। ऐसा ही करोगे? ये देखिए, पहुंच चुकी हूँ अपने केंद्र में। ओहो, अभी तो यहाँ सामान बहुत फैला हुआ है। नमस्ते।